मुझे नंबर पता ही नहीं, नंबर होती क्या चीज है मैं नहीं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी हुकूमत का बजट अवाम दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजी बहबूद की स्कीमों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, ये बजट बड़े ताजरों के लिए है, आम आदमी से इसको फायदा नहीं है। देखिए वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडी पैसा खर्च होना था वो उस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। अवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और जहां तक लैंड का सवाल है, जो यहाँ पर मुझे ये बताइए, गवर्नर हाउस वो कहाँ पर है, बीबी कैंट वो कहाँ पर है? अगर ये कहते हैं कि हम बड़े लोगों से शुरू करें तो फिर गवर्नर हाउस से शुरू करें, बीबी कैंट से शुरू करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने बजट को मनसूबाबंद और तवील